हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में जिला पानीपत के ग्रामीण अंचल उग्राखेड़ी गांव की एकता विहार कॉलोनी में स्थित ज्ञान गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम गत वर्षों की भांति इस बार भी शानदार रहा। स्कूल की छात्रा ममता ने 500 में से 473 अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप रहने का गौरव हासिल किया। और ममता ने अपनी सफलता का श्रेय किसको दिया, वह भी हम आपको सुनाते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 94.6% आया है 473। मेरे मम्मी पापा भी इससे बहुत खुश हैं और मेरे जो सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने पूरी मेहनत करवाई है, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया है और मम्मी और प्रिंसिपल सर ने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया है। और जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चर लेते थे, जो हमें पढ़ाते थे, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। वही स्कूल संचालक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हरियाणा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 80.34% रहा, जबकि उनके स्कूल का परिणाम 97.38% रहा, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि परिश्रम करने वाले हमेशा जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल में इस बार 12वीं कक्षा में 46 बच्चों ने मेरिट तथा 47 बच्चों ने प्रथम श्रेणी के साथ सफलता हासिल करते हुए स्कूल स्टाफ व अभिभावकों का गौरव बढ़ाया है। हमारे स्कूल का जो परिणाम है पिछले सालों से अब की बार बहुत ही अच्छा परिणाम रहा, 98% हमारे से स्कूल का परीक्षा परिणाम आया है। इसमें लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के भी माले से कम नहीं रहे, सबसे हाईएस्ट जो नंबर हमारी लड़की ने लिए ग्रामीण क्षेत्र से है, उग्राखेड़ी गांव के रहने वाली लड़की ममता वजीर से मिली। तो किस तरह सर मेहनत कराई जाती थी बच्चों को? एक तो हमारे पास क्वालिफाइड जैसे स्टाफ है सारा, और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं माले उनको हम एक्स्ट्रा टाइम वगैरह उनका लगाते हैं, जिस भी विषय में माले कमज़ोर बिना फीस वगैरह के, और दिन रात मेहनत करवाते हैं, पूरा जैसे मोटिवेट करते हैं उनको जिस जिस विषय में माले जो भी कमज़ोर जैसे दिखाई देता है बच्चा, और तभी माले जागरूक से इतनी जैसे मेरिट आती है। इसके अलावा स्कूल की छात्रा साक्षी ने 470 व ज्योति ने 465 अंक प्राप्त कर विद्यालय में दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति ने बच्चों, अभिभावकों व स्कूल स्टाफ को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।